आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ना जो स्टार्ट हो चुकी है, और आज है तारीख 4 फरवरी। तो भाई आज है हमारी तारीख जो है 6 फरवरी। तो भाई आज मौसम काफ़ी सुहाना है, तो यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो भाई कैसा लगा आपको नज़ारा? अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक, आपकी मर्ज़ी, अगर अच्छा लगा तो भाई एक लाइक तो बनता ही है यार। तो भाई काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने के आप पे मिल रहा है, तो वही ठंडी ठंडी हवा का मज़ा हम लेते हुए चलते हैं आगे। आगे आपको और भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बर्फीली वादियाँ भाई कभी कभी देखने को मिलती है, हर किसी को नहीं, बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। तो भाई इस टाइम हम जा रहे हैं अमरनाथ, अमरनाथ के टाइम व्यू है भाई, रोड में काफ़ी ज़्यादा थी तो भाई मुश्किल था चलना। तो यहाँ पे आगे रोड हम जा रहे थे, तो भाई यहाँ पे रोड का काम चला हुआ था, रोड वगैरह बहुत कुछ हुआ था, तो 15-20 मिनट हमें यहाँ पे लग गए। और ये था कुछ आस पास का नज़ारा, यहाँ पे वेट करना पड़ा। तो उसके बाद हम निकल गए और सीधा पहुँच गए हम मोल मोना के पास। तो भाई रास्ता आप देख सकते हैं भाई, कितनी बर्फ़ वगैरह पड़ी थी, स्कूटी वगैरह हमने पीछे लगा दी। तो 100 मीटर के आसपास ही था मंदिर पे जाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो इसी साइड गिरी थी। तो भाई ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया था एकदम से मौसम सब कुछ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोल मोहनाग में। तो भाई ये रहे हमारे देवता जी, जय हो। तो एंट्री का कुछ नज़ारा इस तरह से है यहाँ पे भाई, साइड में काफ़ी बढ़िया व्यू जो यहाँ से दिखता है। बाद में हम मंदिर के अंदर भी आ गए, तो वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होती थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिवाज है हिमाचल में, अगर कोई भी जैसे कि बच्चा वगैरह लड़का या लड़की होती है तो उनके बाल काट के जो यहाँ पे चढ़ाते हैं, यानी कि इसको जटलू हमारे यहाँ बोला जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे एक लड़का था, उसके बाल वगैरह जो उसके कुल देवता के यहाँ चढ़ाए जा रहे थे। तो वही जो मेन गेट था ये बंद था, तो दूसरे हम बताते हैं यहाँ पे लाइन में और भी देवी देवता थे। तो भाई काफ़ी बढ़िया रहा यार, काफ़ी लम ऊपर गए तो हमने वहाँ पे खाना वगैरह भी हमने यही खाया, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे खाने वगैरह का अरेंजमेंट किया था। उन्होंने बोला जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सब यहाँ से खाना खा के जाएंगे, तो हमने भी खाना वगैरह खाया और भाई नज़ारों का यहाँ पे काफ़ी लुफ्त उठाया। यहाँ पे हमने काफ़ी भाई हरियाली हरियाली है आप देख सकते हैं। तो भाई ये आ गया आपका भाई, चारों तरफ आप देख सकते हैं भाई मौसम कितना सही है, काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है नज़ारा देखने में। तो यहाँ पे मेरी बहन है, आप इसको देख सकते हैं भाई बेचारी, ठंड के मारे इसका बुरा हाल हो गया था। तो काफ़ी बढ़िया रहा भाई, हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया यहाँ पे, किया खाना वगैरह भी खाया, काफ़ी बढ़िया धाम बनी हुई थी यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे हमने मस्ती वगैरह भी की, फोटो वगैरह क्लिक वगैरह किए काफ़ी ज़्यादा। और भाई व्यू की बात की जाए तो भाई व्यू इसका जो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पहाड़ दिखते हैं और दूर दूर तक देखोगे आप तो बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं भाई, चोटियों पे हर एक पहाड़ की बर्फ़ी बर्फ़ गिरा हुआ है। तो भाई काफ़ी मज़ा आया हमें वहाँ पे जाके, तो अगर आप भी वहाँ पे जाना चाहते हैं तो भाई आपको आना पड़ेगा करसोग। और ये है यहाँ पे मंदिर का व्यू फ्रंट साइड में जब आप एंटर करोगे,
यहाँ से होके आपको अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मस्ती वगैरह चली थी, तो भाई अचानक से इसको पता नहीं क्या दिखा और बर्फ़ के गोले वगैरह लेके आ गई है और मारना जो स्टार्ट कर दिया इसने। फोन बजे ना कट सारा से कीता था पेडे पर फड़ना हूँ देखो आज सारा पानी चुसता है ना अंदर लगी है ठंड आया मजा ਯਾਂ ਵਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਇਟ ਖਦਾ ਸੱਤ ਤੋ ਤੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਠੋ ਉਹ ਦੇਖ ਇਸ ਤੇ ਟ ਤੂੰ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਉੜਿਆ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰ ਜਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ ਤਾ ਰੁਕ तो अभी हम चल पड़े हैं मंदिर से, तो वहाँ से आ चुके हम 3-4 किलोमीटर आगे, तो हमें 2-3 घंटे लगेंगे करसोग पहुँचने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे बर्फ़ वगैरह, भाई कितना ज़्यादा बर्फ़ जो पड़ा हुआ है। तो भाई इधर हर एक जगह जो काफ़ी बर्फ़ पड़ा हुआ है, कल की धूप ने तो थोड़ा बहुत पिघला भी दिया है भाई। आगे भी आप वीडियो में देखते रहेंगे, है ना। तो भाई अब तो हम जा रहे हैं घर, ठीक है। गोस्ट राइडर देख ला बिगड़ोला वंस मोर वंस अगेन वंस अगेन या वंस अगेन। देखिए पागल लड़की हमारी बेचारी बर्फ के साथ खेल रही है, पर अभी इसे ये पता नहीं है कि अभी 2 मिनट के अंदर इसके पाँव की क्या हालत होने वाली है। अब 2 मिनट के अंदर इसके पाँव 0-0 degree पे पहुंच जाएंगे, अभी शायद माइनस में चले जाएंगे। तो हम चलते हैं भाई रास्ते में, मजे करते करते जाएंगे। तो भाई आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा, भाई बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है भाई, 2 दिन लगातार यहाँ पे। तो भाई मौसम अब हो चुका है खतरनाक वाला, तो भाई दूर दूर तक देखोगे पहाड़ियों में आप भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है। उधर जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो नीरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर टावर वगैरह दिख रहे हैं आपको। तो भाई सारा कुछ पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक चुका है बहुत ही भयंकर तरीके से। तो भाई चलो चलते हैं भाई अपने रास्ते पे, अभी यहाँ से 22-23 किलोमीटर हमें और जाना है, फिर जाके हमारी मंजिल आएगी। तो लेट्स गो। बाकी हम चिंटी माता जी के मंदिर में जय बजरंगबली। तो भाई ये मंदिर यहाँ का, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम चलेंगे यहाँ से नीचे को अपने रूम पे। चलो दर्शन करते हैं। तो यहाँ का कुंड तालाब बर्फ बर्फ पड़ गई भाई। तो हम जो पहुंच चुके हैं अब चिंडी माता के मंदिर, तो भाई काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे देखने के लिए।
भाई कुछ इस तरह से दिखता है जब यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरी होती है। तो भाई काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।